और मैं देखने वाला, पता है क्या सीन है इस हेलमेट के अंदर, दिखता है या नहीं दिखता, मतलब जो वाइजर है ना इसका, उसके अंदर दिखता है या नहीं दिखेगा। ये कहाँ पे जा रहे हैं भैया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो क्यों मैं उधमपुर में, और अभी मैं पुरानी वाली वीडियो चेक कर रहा था, पुराना वाला ब्लॉग बनाया, उसमें एक दिक्कत क्या आ रही है, जो ये हेलमेट है ना जो अभी हमने लिया नया वाला, मेरे पास अपने पुराना वाला भी साथ लेके आए थे, वो गाड़ी में रखा, तो इसमें क्या है, जब इसमें हमें थोड़ा चल रहा हो ना, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो बाहर से जो हवा आती है ना वो सीधा माइक के पास से गुजरती है और उससे कुछ विसल की आवाज़ आती, तो शायद से आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर देना आवाज़ को लेके, बाकी करते हैं आगे मज़े। पापा आगे से रखे हैं और करेंगे वेट आर्मी वाले भैया भी देख रहे हैं कि ये व्लॉग शूट कर रहा है, कुटाई करेंगे मेरी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड ऑन दिखाता है जब स्टैंड नीचे, और मैं स्टैंड ऊपर करता हूँ ये हट गया साइड स्टैंड। नया फ्यूचर, सही फ्यूचर है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी और काफ़ी प्यास लगती है यार। रामबन में भी जम्मू से कम गर्मी नहीं होती यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, बट रामबन में क्या है कि सुबह शाम मौसम ठीक हो जाता है, और रेत और बजरी से सावधान रहें, खासकर जब आप टू व्हीलर पे हैं।
यार धूप से ना, धूप में थोड़ा सा कम आता है, बट जब आप चलते हैं तो हवा चलती रहती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती चलाने में टू व्हीलर। बट अगर धूप नहीं होती फिर तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता ना भाई। कोई नीचे से निकलता है, कोई ऊपर से निकलता है, बीच में रोड खुली है बीच में बंद है ना, चक्कर है। समझ लो 1 किलोमीटर 4 लेन आता है फिर 2 लेन हो जाता है, बस वही है ड्रामा। पापा तो सुपर चले गए यार, थोड़ी सी स्पीड पे करता हूँ आगे से वन साइडेड हवा भेजती है, एक साइड के लिए खींचती है लेफ्ट साइड के। बड़ी हवा चल रही है यार, ऐसा लगता है हवा उड़ाई देगी। फायदा के ऊपर से वेट भी कम है मेरा, आज ज्यादा ही कम हो गया। पता लगा उड़ी है हमें वहां से, यहाँ पे 4 लेन तो लगभग तैयार है, बट दिक्कत पता क्या है, इतने ज्यादा कर्व्स रखे हैं, इतने ज्यादा कर्व्स कौन रखता है यार 4 लेन पे, आप ही बताओ मुझे। पता नहीं कितनी गाड़ियां रोल खा जाएंगी इतने ज्यादा कर्व्स हैं, कोई भी स्पीड में मोड़ काटेगा तो घूम जाएगी वहीं पे। गाइज अगर आपके पास एंटॉर्क है या आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, अगर आप है आपके पास तो माइलेज वगैरह कितनी देती है, माइलेज तो कम ही देती है काफ़ी, अभी ये वाली तो कम ही देगी ना, एक तो अब पहले ही नहीं निकली है, बट फिर भी फर्स्ट सर्विस कराएंगे ना उतनी ज़्यादा माइलेज तो घटने नहीं वाली। अगर माइलेज के चक्कर है ना तो एंटॉर्क तो बिल्कुल ही मत लें, बट अगर आपको पावर चाहिए, मज़ा आना चाहिए राइड करते हुए, बाइक वाली फील आती है एकदम, और एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है इसका यार, सेक्सी बिल्कुल, तो फिर आप डेफिनेटली एंटॉर्क लें। सुजुकी की एवेनियस कुछ ऐसी स्कूटी है, और यामा की भी आती है रेज एट आर 125, दोनों 125 है वो भी, और सुजुकी वाले ने तो एंटॉर्क की कॉपी भी मारी है, तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, वरना आप डेफिनेटली एंटॉर्क ही लें। टूरिस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं, अभी सीज़न चल रहा है ना गर्मियों में, कश्मीर जा रहे हैं, पत्नीटॉप जा रहे हैं, सनासर जा रहे हैं, और देखते हैं हमारा भी क्या होता है सनासर का प्रोग्राम, में पूछता हूँ बंदों को, बनता है तो सेक्सी रहेगा ना सनासर, लेकिन सनासर जाना है ना सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, संडे को तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है ब्रो, बट मज़ा भी तो आएगा, रश में दिखेगा भी कुछ कुछ, यहाँ से जाएंगे खाली खाली तो खाली में क्या ही दिखेगा, देखो कितने ज्यादा कर्व्स हैं बेचारा, ये डिजायर वाला ओवरटेक नहीं कर पा रहा, इतने ज्यादा कर्व्स हैं।
और ये सही भी कर रहा है, पता क्या यहाँ पे लोग इतने वो है ना कि कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ से सीधा चल रहे हैं ना, जैसे यहाँ से 4 लेन टाइप का है, तो रॉन्ग साइड से बंदे आ जाते हैं आगे से, तो अगर आपको स्पीड में कर्व में उस टाइम पे रॉन्ग साइड से बंदा आ गया फिर तो ठुकेगी ना। ये देखो पुलिस वाला क्या कर रहा है, खींच भाई खींच 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 छापे 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 मेरी वाली रेस एडिशन से ना काफ़ी ज़्यादा भागती है यार, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली। सस्पेंशन भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अब ऑब्वियसली नहीं है सस्पेंशन अच्छे होंगे बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन में इम्प्रूव है और पिकअप काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया सीरियसली यार। और अभी तो अच्छे से स्टार्ट वगैरह भी हो रही है, एक चाल में नई स्कूटी वो होनी भी चाहिए। बस इतनी तेज हवा बजती आगे से, शायद से हवा चल रही है ना आज काफी दिनों से, विंड्स जावा के जावा के तेरे नाल पागल। क्या हाँ, राइड करने का मज़ा आ रहा है, रोड यहाँ पे फिर से हो चुका है सिंगल और वही अंतर करते 13 कुछ जाना नहीं मेरा कुछ रहना नहीं। अभी टेक ऑफ करेगी, अभी टेक ऑफ करेगी, अभी टेक ऑफ करेगी। सस्पेंशन और एक्सीलेंट, मज़ा आ गया सस्पेंशन क्या कमाल के यार, अभी तक ना बिल्कुल थका हुआ फील नहीं कर रहा मैं एंटॉक पे। जतिन ने थोड़ी देर चलाई बोलता है मेरे को फीवर सा आने लग गया, हवा बज रही है।
बट अभी तक तो मैं ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। भूसा उसको चलाएगा बोलते नहीं। पावर की कमी पता कब महसूस होती है? जब भी आपकी भी बाइक स्कूटी या गाड़ी भी चढ़ाई में होती है तब थोड़ी सी लगता है काश पावर ज़्यादा होती। बट डीजल वगैरह टर्बो वगैरह जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें उनमें थोड़ी कमी महसूस होती है पावर की कमी। पेट्रोल वाली जो कम सीसी वाली आती है उनमें होती है पावर की कमी महसूस। पापा पता नहीं कितना आगे चले गए यार, रुके ही नहीं। पीछे तो नहीं रह गए क्या? हरियाणा के काफी टूरिस्ट आते हैं कश्मीर घूमने। तो गाइस यहाँ से कुछ ही दूरी पे आने वाला है चनानी नासरी टनल। टनल क्रॉस करते ही हम डिस्ट्रिक्ट रावण में एंटर कर जाएंगे यार। और अभी वाला मिरर लगा ना जो ये इसका बोलता जो हेलमेट को ये वाला शीशा लगा, पता नहीं टनल के अंदर देखते हैं कितना कामयाब है। कामयाब है भी नहीं है वो भी पता लग जाएगा टनल के अंदर भी। मेट्रो वाला देखो कैसे चलता है रोड के बीच में, पागल इंसान। किसने किसको लूटा, किसका माथा कैसे फूटा, क्या बता। इतना ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ गया अचानक से? कहाँ छुप के बैठे थे भाई? पे कुछ काम चल रहा है। तो गाइस ये आ चुका है टनल वाला रोड, अब कुछ ही देर के बाद टनल आ जाएगा। और पापा भी तो नहीं दिखे,
शायद से काफ़ी आगे चले गए होंगे या काफ़ी पीछे रह गए होंगे, तो ही हाँ क्योंकि जब मैं माउंट वगैरह फिर से लगा रहा था ना, तो मैंने 3-5 मिनट के बाद निकला हूँ उनसे, और मेरी स्पीड उतनी कम भी नहीं थी कि वो मेरे को रास्ते में मिलते हैं, बट मेरे को रास्ते में दिखे भी नहीं, शायद से अभी आगे ही होंगे। ये स्कूटी का एक मज़ा ना टोल वगैरह नहीं कटता ना। व्यू देख सकते हो आप सामने, शायद से नत्था टॉप का पहाड़ है। यस हो सकता है यहाँ पे हो, वो हो सकता है नहीं भी हो। पापा तो नहीं दिख रहे यहाँ पे, अब टनल क्रॉस करके कॉल करता हूँ पापा को, अगर टनल के आगे वो ठीक है, नहीं तो फिर टनल क्रॉस करके कॉल करते हैं। और अब मैं देखने वाला पता है क्या सीन है, इस हेलमेट के अंदर दिखता है या नहीं दिखता, मतलब जो वाइजर है ना इसका, उसके अंदर दिखता है या नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है बट ओ नहीं दिख रहा समझ लो। तो फाइनली गाइस ये हम टनल क्रॉस कर दिया है लगभग, आप देख सकते हैं टनल से बाहर आते हुए। और जो मैं वाइजर की बात कर रहा था ना टनल के अंदर, तो गाइस वाइजर टनल के अंदर बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, और बिल्कुल भी कामयाब नहीं, क्योंकि इसमें रात में दिखता ही नहीं कुछ, मतलब अंधेरे में कुछ नहीं दिखने वाला आपको। ये कहाँ पे जा रहे हैं भैया, हिमाचल वाले भैया कहाँ पे जा रहे हैं, रॉन्ग साइड। और द गाइस अमेजिंग, मजा आ गया राइड करते हुए, टनल क्रॉस करते हुए। और बताऊं क्या टनल के अंदर क्या सीन था, जैसे अंदर तो वाइजर के अंदर दिखने ही लगा ना इस वाले, जैसे ही मैंने वाइजर खोला और थोड़ी सी स्पीड पकड़ी ना, हवा मतलब आगे से मुंह पे बज रही थी फेस पे, तो आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे, आ भी गए आंसू बाहर। तब हम यहाँ पे रुकेंगे नाका क्रॉस करके रामन वाली पुलिस का,
और नाके के आगे से पापा को कॉल करके जितने को कॉल करता हूँ पापा साथ में, उनको बता देता हूँ हम नासरी पहुँचे और वो कहाँ पे पहुँचे, फिर देखते हैं।